आज मेरा लाइव आने का उद्देश्य यह है कि मैं बबलू ग्राम पंचायत खिल का स्थायी निवासी हूँ। जैसे आप सबको पता होगा कि अभी जो है त्रासदी के कारण जो है हमारे गांव में बहुत सारे नुकसान हुए हैं। हमारी एक छोटी सी पंचायत है, तो जब भी हम अपनी पंचायत में जाते हैं इस मुद्दे को लेके कि हमारे इतने नुकसान हुए हैं, जैसे कि मेरे घर में भी पानी आया था, लहासे गिरे थे, काफ़ी पानी आ रहा था घर में, तो जब भी हम पंचायत में गए तो प्रधान मेंबर सेक्रेटरी हमें ये बोलते हैं कि हम जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार ने जो हमें कोई भी ऐड नहीं दी है और ना हमारे पास कोई व्यवस्था है तुम्हारा काम करने की। हमने जो इन लोगों को वोट दिए हैं, वोट दे के जो इनको प्रधान बनाया है, और रही उप प्रधान की बात, उप्र प्रधान को मैंने तब से लेकर नहीं देखा जब से लेकर जो है इलेक्शन हुए हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कृषोग एसटीएम साहब को कि इन लोगों के ऊपर जो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आप एसटीएम साहब हमारे गांव में आओ, हमारे सभी लोगों को पूछो कि ये लोग गांव में गए निरीक्षण करने की नहीं गए। जब भी हमारे गांव का कोई भी सदस्य जो पंचायत में जाता है तो ये बदतमीजी करने के लिए जो है उतारू हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे को सरकार ने कोई भी ऐड नहीं दी है। और मैं सरकार को दोष नहीं देना चाहूँगा क्योंकि निकम में ये लोग हैं, ये काम ये लोग नहीं करते हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा हमारे गाँव में रास्ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं और फिसलने का खतरा रहता है, तो इन लोगों ने जो कहीं भी निरीक्षण नहीं किया है। मेरा जो है कृषोग एसटीएम साहब से यहाँ जुड़ के निवेदन है कि हमारी पंचायत के प्रधान मेंबर सेक्रेटरी जितने भी हैं इनके ऊपर जो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। मेरा जो ये हाथ जोड़ के निवेदन है। थैंक यू, धन्यवाद।